हवा में उड़ता दिख रहा ये ड्रोन कैमरा बेहद कमाल का है और ये कमाल कर दिखाने वाले हैं प्रयागराज के ट्रिपल आईटी के दो मेधावी छात्र पवन और शेफाली, जिन्होंने एक ऐसा ड्रोन कैमरा बनाया जो किसानों और उनकी खेती बाड़ी के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो इस ड्रोन कैमरा की क्या खासियत है, चलिए जानते हैं इन्हीं छात्रों से। जो हमारा जो एग्रीकल्चर ड्रोन है कृषि PS-192 है, ये किसानों के लिए बहुत ही एक बोल सकते तो वरदान के टाइप का है। जैसे कि किसानों की फसल होती है उसमें बहुत सारे उसमें रोग लग जाते हैं, जैसे कि उसकी पत्तियां सूखने लगती है, फिर उसमें बहुत सारे कीड़े पड़ने लगते हैं। तो जब भी जब किसान खुद से करते हैं स्प्रे तो वो उस टाइम ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अब क्योंकि बहुत सारे फसल साथ 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 में होते हैं, है ना। तो उस हिसाब से क्या होता है कि वो स्प्रे सारे पे करते हैं जब एक साथ करना होता है। पर हमारी जो ड्रोन की खासियत ये है कि वो पर्टिकुलर कौन सा पौधा है हेल्दी और अनहेल्दी वो पहले डिटेक्ट करता है, तो किसको जितना जरूरत होती है मात्रा उस हिसाब से दवा देता है वो। इस स्पेशल ड्रोन कैमरा को पवन और शेफाली ने करीब 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया। इन छात्रों ने ये भी बताया कि कैसे इस ड्रोन कैमरा की मदद से किसानों को अपनी खेती बाड़ी की देखरेख करने में भरपूर मदद मिल पाएगी। जो हमारा ड्रोन है ये मतलब हमारे जितने किसान हैं उनके खेत में उनकी हेल्प करने के लिए बनाया हमने। जैसे कि एक आपका खेत लीजिए तो उसमें जो किसान होते हैं हमारे किसान भाइयों को ये दिक्कत आती है कि कितने खेत के पार्ट में कितनी दवाइयाँ छिड़कनी है। वो लोग उस जगह भी छिड़क देते जहाँ ज़रूरत नहीं भी होती है, तो उनको अंदाज़ा नहीं होता है। तो जो हमारा ड्रोन है वो इस तरीके से हेल्प करेगा किसानों की कि वो एक सर्वे करेगा एक पर्टिकुलर क्रॉप फील्ड का, और फिर वो ये पता लगा पाएगा अपने सर्वे से कि किस एरिया में ज़रूरत है और किस में नहीं है, और जिन एरिया में ज़रूरत है वो वहीं पे छिड़काव करेगा, ताकि हमारी सॉइल भी ख़राब ना हो, पानी का प्रदूषण भी ना हो और किसानों भाइयों की हेल्प भी हो पाए। कितना समय लगा आपको इसको बनाने में? हमें इसे बनाने में करीबन 2 साल लगे। हम लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं इस पे और हम लोग PhD स्कॉलर्स भी हैं, तो हम हेल्प करना चाहते हैं किसानों की इसके थ्रू। हम एडवांसमेंट्स ला रहे हैं और इस ड्रोन में, ताकि हम इसे स्केल कर पाए और पूरे इंडिया तक पहुँच पाए। अपनी PS-25 स्टार्टअप कंपनी बनाने के बाद से शेफाली और पवन खेती किसानी के अलावा दूसरे क्षेत्रों के लिए भी ड्रोन विकसित कर चुके हैं, जिसमें आपदा प्रबंधन, रक्षा, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और अपनी ऐसी सभी उपलब्धि के लिए दोनों कई बार पुरस्कृत भी किए जा चुके हैं। हाल ही में ग्रीस में आयोजित एक प्रतियोगिता में उनके इस नायाब ड्रोन का शामिल होना और उसका सफल प्रदर्शन होना दोनों टेक्नोक्रेट्स के बढ़ते हौसलों को ही दर्शा रहा है। ड्रोन जैसी मशीन को तैयार करने में सफलता पा रहे शेफाली और पवन को अभी उम्मीद है कि अभी कई ऐसे ड्रोन वो तैयार करेंगे जो भारत को तकनीकी तौर पर मजबूती देगा। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।